नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट टेक। दोस्तों एसएससी एमटीएस का 5 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। हम खड़े हुए हैं एक सेंटर के बाहर, स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे स्टूडेंट पास आते हैं पूछेंगे किस प्रकार का पेपर में प्रश्न पूछा गया, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कितना अटैम्प्ट किया आप? थोड़ा सा धूप में सीधा आ जाइए। कितना अटैम्प्ट किया है? अटैम्प्ट लगता है 84। आप कितना किया है? हम भी 64 से अटैम्प्ट करिए। लेवल कैसा था पेपर का? लेवल जीके थोड़ा टफ था, लेकिन मैथ रीजनिंग सब नॉर्मल था, इंग्लिश भी नॉर्मल। हाँ अच्छा, आप लोग पेपर देकर आ रहे हो? कितना अटैम्प्ट किया? 92। चलो ठीक है, आप मुझे दूध दीजिएगा। अच्छा कोई प्रश्न याद है आपको? कोई जीके का प्रश्न बताइए आप, याद हो तो। जीके का प्रश्न ऐसे मतलब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा था साइंस से, और करंट को ज्यादा ही मतलब मार्च कब का पूछा गया था ये बता दीजिए। मार्च अप्रैल का 2022 का। हाँ, लगभग करंट से कितना प्रश्न होगा? कम से कम 7-8। 7-8 था। हाँ। सब 2022 का ही था, फरवरी मार्च और अप्रैल ये तीन से। लेटेस्ट पूछा गया था इसी साल का, लेटेस्ट 6 महीने पुराना। और कोई प्रश्न याद है आपको साइंस में हो या जनगणना से पूछा गया था कि 2022 में फरवरी तक जनगणना क्या है? अच्छा ये पूछा गया था। और कोई बायो से या केमिस्ट्री से या फिजिक्स? केमिस्ट्री से ही फॉर्मूला पूछा गया था। अच्छा पेपर दे के आ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा आइए, थोड़ा रिव्यू दे दीजिए। अरे आइए भैया, आइए अभी आ जाइए, 4-5 आदमी आ जाइए ना थोड़ा। अच्छा अच्छा, कौन सा चैनल है ये? माई स्मार्ट ट्रिक चैनल पाएगा आपका। चलो कितना अटैम्प्ट किया आप? अटैम्प्ट तो कर दिए 75। आप कितना किए हैं? सर मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो हमने मतलब 75 ही किए हैं। 75 किए हैं। आप पेपर दे कर रहे हो? नहीं सर। अच्छा कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ बहुत सारे याद है। बताइए जोरा, कोई प्रश्न पूछा गया था जो? क्या रीजनिंग था, मैथ था, जीके था? वो तो था, लेकिन प्रश्न क्या था? जीके में था कि कौन सा स्टेट का 2 लेजिस्लेचर है। अच्छा। ऐसे ही करके थे क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड करेंट अफेयर कितना था? करेंट अफेयर 4-5 थे। 4-5 थे, कब का था? यही 2022 का था। एक 2022 का पेपर देखा रहे आप लोग? अरे कहने से आई लोग घूम के थोड़े साथ में। थोड़े एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट रुक जाइए। कितना टाइम किए हैं? 99। बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न कोई याद है आपको? हाँ करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन। क्या था कोई बताइए आप? थोड़ा आप लोग भी रुक जाइए, आ जाइए। बताओ यार करंट। अरे आप बताइए कम से कम 99 का याद में नहीं है मतलब कि। अच्छा मैथ में ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछा गया ये बता दीजिए। मैथ इजी था। इजी था। हाँ करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन था। और मतलब कि गुलाम वंश के मतलब कि 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के। हाँ हाँ मतलब कि बलवन को मतलब कि किस उपाधि मतलब कि लिया था, किसकी उपाधि दिया गया था? हाँ हाँ ठीक है। और भी मतलब कि इंग्लिश थोड़ा सा मतलब कि टफ था। इंग्लिश टफ था और मैथ बहुत इजी था। मैथ इजी था। परसेंटेज से कितना प्रश्न होगा तब भी? उतना याद नहीं रहता है वो बस। परसेंटेज एक दो था। परसेंटेज एक दो था। प्रॉफिट लॉस भी था। हाँ ठीक है। रेशियो था। रेशियो था। और एक स्पीड डिस्टेंस है बोट से था। अच्छा ठीक था। और था कंपाउंड इंटरेस्ट एक था। एक मिनट वर्क था। हाँ हाँ एक था। अच्छा आप लोग पेपर देकर आ रहे हो, थोड़ा सा रिव्यू दे दो। आ जाओ आओ मर्द। आइए भैया बताइए, खैनी बंद कीजिए। कितना अटेम्प्ट किया है? 83 अटेम्प्ट किया। इंपोवरिश्ड के एंटो था। क्या? इंपोवरिश्ड के इसका एंटो पूछा गया था। एंटोनिम्स साइनोनिम्स थे इंग्लिश में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। हाँ। फिर जैसे मतलब कि सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें चुनना था कौन सा गलत था। अच्छा ये था। हाँ, फ्लोर मतलब कि फ्लोरोस्टेशन पर। एडवांस मैथ में कुछ पूछा गया था क्या? नहीं मैथ में कोई दम नहीं था। एमटीएस में कभी पूछता ही नहीं एडवांस में। रीजनिंग भी वैसा ही था। अच्छा हां मैथ से आसान था। प्रश्न याद है आप लोगों को? जीके में कोई प्रश्न या करंट का कोई प्रश्न है? याद है 2011 का जनगणना वाला पूछा था। क्या पूछा था 2011 का जनगणना? लिंगानुपात महिला और पुरुष का। हाँ महिला और पुरुष का लिंगानुपात बताया। और कोई प्रश्न है? फिर ये था कि मोदी जी का बुक मतलब कोई किसने लिखा है? हाँ, मोदी जी से रिलेटिव कोई हाँ, पूछा गया था। हाँ, किसने लिखा है? ठीक है लिखा है। अंत्योदय योजना किस लिए चलाएगा? किस लिए चलता है? अंत्योदय योजना के बारे में पूछा गया था। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न है? और था नदी से पहाड़ से सबसे। हाँ हाँ वो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? बहुत बढ़िया। रेगिस्तान में। और कोई प्रश्न है? पर्वत से हो या कोई बुक और पर्वत से तो ना पूछा गया था। कोई एसआई मात्रक फिजिक्स में? नो नो ये सब नहीं था। केमिस्ट्री का कोई प्रश्न याद हो तो? हाँ हाँ बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला था। बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया था। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न? और क्या था, ऐसे ही थे क्वेश्चन। बुक से कोई था? बुक ऑथर से एक तो मोदी जी वाला हो गया। बस बस वही था, अब नहीं था।
करंट अफेयर कब का पूछा गया था और कितना पूछा गया था ये बता दीजिए। 22 का भी पूछा गया था और कितना था करंट अफेयर, प्रश्न कितना था? दो तीन का करंट था, पाँच छः था और वही तीन चार था, वही मान लीजिए सब मिला के 21 22 दोनों मिला के। करंट अफेयर में कहाँ से पूछा गया था, मतलब कोई योजना पूछा गया था या कोई मतलब और कुछ पूछा गया था? सब मिक्सचर पूछा गया था। ओलंपिक से प्रश्न था? हाँ ओलंपिक से। हाँ ओलंपिक से क्या प्रश्न था बता दीजिए कि अरे क्या तो बी आई ऐसी कुछ करके था, कब मतलब कौन राज करेगा उसका? अच्छा नहीं, वो था खेल से था कि हॉकी 2018 हॉकी किस देश ने जीता था। अच्छा 2018 का हॉकी का जो हुआ था उसको किस देश ने जीता था। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न आप लोग याद आ रहा है? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग। कितना टाइम किया है, कितना टच किया प्रश्न? आप बताइए आप कितना टच किए हैं? 80। आप? 85। आप कितना टाइम किए हैं? 66। लेवल कैसा था आपके अनुसार, आप लोग बताइए लेवल कैसा था? लेवल ठीक था, मैथ का ठीक था, जीके भी इजी था, रीजनिंग थोड़ा सा था, मॉडरेट था जीके। अच्छा कोई प्रश्न याद है आप लोगों को, कोई साइंस में या करंट का कोई प्रश्न हो या कोई भी जीके का प्रश्न? जीके में पूछा था ये स्वर कोकिला किसे कहते हैं? क्या? जीके में स्वर कोकिला। अच्छा स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला वाला आया था क्वेश्चन, लता मंगेशकर उसका आंसर। कोई खेल से संबंधित प्रश्न हो या बुक एंड ऑथर से संबंधित हो? बुक ऑथर, ऑथर नरेंद्र मोदी से कोई संबंधित प्रश्न? नरेंद्र मोदी से था, एक आया था नरेंद्र मोदी से था। अच्छा नदी पहाड़ पर्वत ये सब था? नदी पहाड़ पर्वत। और एक जनसंख्या का पूछा गया था, पूछा गया था जनसंख्या दो, हाँ लिंग अनुपात का पूछा गया था। लिंग अनुपात से क्या था? 2022 के लड़का लड़की का लिंग अनुपात क्या, मतलब जनगणना भारतीय लिंग अनुपात क्या था? लड़का लड़की वही था। बायो से कोई प्रश्न था? नहीं बायो से नहीं था। कितना प्रश्न ये आप लोग बता दीजिए? लगभग 5। 5 था, कब का था? मतलब करेंट, मतलब हाल का करेंट था, मतलब 18 का विधायक करेंट। करंट से कोई प्रश्न याद है? करंट से क्या था, मतलब करंट से योजना से पूछा गया था या कोई और प्रश्न? योजना नहीं था, योजना से नहीं था, क्या था करंट में कुछ आइडिया आ रहा है? अच्छा मैथ में ज्यादातर प्रश्न कहाँ से थे? सीआई से प्रश्न था, से था तीन चार क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशियो टाइप का, सीआई से भी था दो क्वेश्चन, सीआई दो था, एवरेज से भी दो से तीन क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से, हाँ उससे भी था दो तीन क्वेश्चन। अच्छा अच्छा एडवांस मैथ तो नहीं होगा? नहीं एडवांस नहीं आया, एडवांस नहीं था। ऐसा नहीं हुआ है ना कि समय खत्म हो गया आप लोग सारा प्रश्न नहीं देख पाए? नहीं ऐसा तो नहीं, सारा प्रश्न आसानी था, प्रश्न इजी टू मेडरेट, 1.5 घंटा टाइम जाता, ठीक टाइम था। एमटीएस ज्यादा समय ले लिया, रीजनिंग ज्यादा ले लिया, रीजनिंग क्यों ज्यादा ले लिया? मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला था, मतलब सोचना पड़ता था, कैसे पजल वगैरह था, पजल था, कितना पजल था? पजल में ज्यादा थे था, पजल कोडिंग कोडिंग था, मिरर इमेज वगैरह था, हाँ मिरर इमेज, हाँ हाँ रिलेशन था, रिलेशन इमेज था। अच्छा कितना था लगभग उसमें? 3-4 था, ब्लड रिलेशन से 2 को था। अच्छा और कोई प्रश्न याद आ रहा आप लोगों को? और क्या अदर एवरेज आप लोगों को कितना बता रहे हैं आप, कितना अटेम्प्ट किए? एवरेज 85 अटेम्प्ट कर पाए, लास्ट 80 प्लस के आसपास में है। आप और कोई प्रश्न हो तो आप लोग बता सकते हैं। रीजनिंग ज्यादा टाइम ले लिया इसी कारण से, उसमें मतलब रीजनिंग कितना समय ले लिया इस बार? ज्यादा लगभग 35-40 मिनट ले लिया था, रीजनिंग ले लिया, हाँ सिर्फ रीजनिंग ही ले लिया। मैथ में उतना टफ नहीं था, मतलब नहीं मैथ ठीक था, मैथ मॉडरेट हो गया, मैथ 25-30 मिनट में हो गया सॉल्व। तुक्का भी लगाया का एग्जैक्ट जितना आ रहा था आप लोग उतना कर, हाँ लगभग उसके हिसाब से जैसे आ रहा था तो लगा दिए थे, मतलब 300-400 के बीच में जो मिलता था, जैसे किसी का आंसर आ गया उतना के लमसम, तब उसमें आंसर टिक कर दिए, ज्यादा कैलकुलेटिव का जो प्रश्न था 10 मॉलों में भी था क्या? पूर्णांक में आ रहा हो या दशमलव में आ रहा हो? एग्जैक्ट पूर्णांक में था, एक पूर्णांक में था, बौद्धमास का नियम से था, एक तो हाँ समीकरण दिया गया। कोई प्रश्न याद आ रहा है आप लोगों को? इंग्लिश का कोई प्रश्न बताइए आप लोगों को याद आ रहा हो तो। कोई इंग्लिश में तो वही नॉर्मल था, थोड़ा बहुत प्रोनाउन था उसमें, प्रीपोजिशन था, हाँ ब्लैंक्स था, फिलिंग द ब्लैंक लास्ट ही का क्वेश्चन रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है फिलअप करने के लिए। और साइनोलिम से कितना था? सिलोजिसम से, ये तो रीजनिंग का पार्ट है, सिलोजिसम से 3 क्वेश्चन था, साइनो से 3 था, इंटर से 1 था, 1 सब्स्टिट्यूशन कितना था? 2। कोई याद है आपको इंग्लिश का प्रश्न याद है? इंग्लिश का प्रश्न तो याद नहीं है हमको, इंग्लिश का प्रश्न नहीं याद है, लेकिन नॉर्मल ही था, नॉर्मल था, मतलब कुल मिला जुला के एवरेज मान सकते हैं। ऑप्शन उसमें छांट के जो सही लग रहा था उसके बाद उसे ठीक कर दिए, करने लायक था, हाँ ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न नहीं था ये, नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्या रहेगा, ये तो समुंदर है ये, मतलब जो मतलब एक होता है ना बाहर से प्रश्न पूछ दिया कोई, उसका अता पता ना हो, बुक में ना हो,
ऐसा प्रश्न नहीं था। चलिए शुक्रिया आप लोगों का। फ्रेंड्स जैसा कि देखा ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है 80 के आसपास एवरेज अटेम्प्ट है, और जो प्रश्नों का अगर लेवल की हम बात करें ना तो रीजनिंग दोस्तों थोड़ा सा टाइम टेकन था, मैथ आसान था, ठीक है, मैथ के अलावा जीके भी दोस्तों आसानी मान सकते हैं, मतलब कुल मिला के इजी टू मीडियम प्रश्न का लेवल था। आगे जितने भी शिफ्टों में दोस्तों एग्जाम होगा सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।